अमेरिका के बहुत बड़े थिंकर एंड मैनेजमेंट गुरु जेफ केलर ने एक पुस्तक लिखा और इस पुस्तक में यही बात उन्होंने बड़े विश्वास से पूरे संशोधन के साथ बड़े अच्छे शब्दों में उन्होंने पेश की। और यह पुस्तक का शीर्षक उन्होंने लिखा एटीट्यूड इज एवरीथिंग, मतलब जीवन में जो कुछ भी है वह आपके विचार और आपके अभिगम है। I would suggest all of you to read this book, and especially the youngsters who are into family businesses or they are professionals. Attitude is everything. जो कुछ भी है वो अभिगम है। इस पुस्तक में वे लिखते हैं कि success begins in the head. So think right. विचार आप सही प्रकार के करें। दूसरे विभाग में ये पुस्तक में ये लेखक लिखते हैं Your words decide your personality and character. आपके जो शब्द हैं, जो आप बोलते हैं, वो आपका चरित्र और आपका व्यक्तित्व दोनों का निर्माण करता है। सो स्पीक वाइज। तीसरे विभाग में ये, मतलब अंतिम विभाग में ये पुस्तक में जेफ केलर लिखते हैं कि योर एक्शंस एक्चुअली प्रोड्यूस रिजल्ट्स, सो एक्ट पर्पसफुली। आप हेतु सबर वर्तन रखें। सो थिंक राइट, स्पीक वेल, एंड यू एक्ट विद पर्पस। ये अभिगम है आपका। और इस पुस्तक के सेमिनार्स जेफ केलर ने कहीं किए, टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव्स, फॉर्च्यून 500 एग्जीक्यूटिव्स को उन्होंने ट्रेनिंग भी दी। और इनको सुनने के बाद, ये पुस्तक पढ़ने के बाद, हर एक व्यक्ति को अंतर में एक प्रतीति आई कि जीवन में शायद हमें रिसोर्सेस कम या ज्यादा हो, लेकिन हमारे अगर विचार सही हैं, हमारे अभिगम अगर सही और ऊंचे हैं, तो उससे जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। तो एक बहुत बड़ी दिशा इससे मिलती है, एक अच्छा निर्णय जीवन में ले सकते हैं। इस प्रकार की एक ताकत ये संशोधन में है। Again, attitude is everything in life. Whether the resources you have are less or more, it counts less. What counts more is the type of attitude that you possess with people, with circumstances, with happenings, with work counts more. Inki ginti jyada hoti hai.